नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। पंजाब की खबरों में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। लोक मिला इंसाफ वेलफेयर सोसाइटी की कौमी प्रधान बलदेव सिंह सिरसा ने प्रेस वार्ता कर कहा कि 1997 से लेकर पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की तरफ से सिख इतिहास के साथ छेड़छाड़ की जा रही है। सिखों के इतिहास को काफी तोड़ मरोड़ कर 12वीं कक्षा की किताबों में छापा जा रहा है। 2017 में हमने इसको बैन करा दिया था, लेकिन आज तक वो किताब चलती आ रही है। इसके विरोध में हमने 2022 में पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड के सामने जाकर धरना प्रदर्शन दिया और उसके बाद दोषियों पर FIR दर्ज कराई गई थी, जिसमें आज तक किसी को कोई सजा नहीं मिली है। किताबों में लिखा सिखों का इतिहास सही नहीं किया तो जब तक विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। प्रोग्राम बारे दस देना। मैं नसीब सिंह सांगणा जिला प्रधान लोक भलाई इंसाफ सोसायटी। जिदा कि अज के समागम वास्ते तुम सारे साडे इत्थे जो अज का साडा ये मिशन इसनू कवर करने वास्ते आए हो, तुहाडा ही सब तो पहला जी आने हैं। तो नाल ही फतेह जी साहब चाहते हैं वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू जी की फतेह। साडा जिहड़ा अज का प्रोग्राम आ ये थानू साडे कौमी प्रधान सरदार बलदेव सिंह सरसा जी पहला थानू दस ही चुके हैं। मैं बेनती करा कि मेरा नाम बलदेव सिंह सरसा, प्रधान लोक भलाई इंसाफ वेलफेयर सोसायटी, और मेरे नाल अज पंजाब तो जिथे साड़ी ये संस्था अपनी तौर पर चल रही है, वो दे नाल नाल होर भी बहुत सारिया संस्थावां आ रही ने, और हरियाणा राजस्थान तो अते जिस तरह पंजाब के वख वख जिलों तो मुक्तसर तो फरीदकोट तो फिरोजपुर तो मोहाली तो पटियाले तो करनाल तो सरसे तो राजस्थान तो भी इतने संगत जी कुछ तक पहुंच गई है, बाकी पहुंच रही है। माजीवाड़ा साहब के गांव जुग्गी के रहने वाले दिलीप सिंह के बेटे की ग्रीस में मौत हो गई, जिससे परिवार में कोहराम मच गया। बताया जा रहा है कि युवक ग्रीस में रोजगार के लिए गया था, जहां वो खेतों में काम कर रहे थे। अचानक उनकी जहरीले जानवर ने उन्हें काट लिया और मृतक के पिता और दादी ने कहा कि हमारा बेटा खेतों में काम कर रहा था, ग्रीस में काम करते करते समय अचानक उन्हें किसी जहरीले जानवर ने काट लिया, जिससे उनकी मौत हो गई। बता दें कि आपको माछीवाड़ा का ये है कि युवक ग्रीस में काम करने गया था और जहरीले जानवर के काटने से युवक की मृतक मौत हो गई। रोजगार के लिए ग्रीस गया था मृतक युवक, जहां पर खेतों में काम करते समय अचानक किसी जहरीले जानवर ने उसे काट लिया, जिस दौरान उसकी मौत हो गई। बहुत ही कच्चा भाई बस जी। बेटा 2 साल पहला विदेश गया जी ग्रीस। हां जी, उसे अपना रोजी रोटी वास्ते गया जी, उन्हें काम कर रहा है। जिम्मे डॉक्टर मुताबिक उसे काम करते समय कोई जहरीली चीज ने कट लिया। मेरा पोता कितना चिर हो गया सी उन्हें विदेश गए नु जी?3 साल हो गए। जहर फैल गई। अमृतसर के गांव नाग कला हल्का मजीठा में मेडिकल फैक्ट्री में अचानक भीषण आग लग गई, जिससे फैक्ट्री में अफरा तफरी मच गई। सूचना पर
पहुंची दमकल विभाग टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। वहीं मालिक का कहना है कि कोई भी जान मान के नुकसान नहीं हुआ है। बता दें कि आपको एक दवा फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग लगने की सूचना दमकल विभाग को मिली। बताया जा रहा है कि अज्ञात कारणों से ये आग लगी है और कड़ी मशक्कत के बाद दमकल विभाग ने आग पर काबू पा लिया। आग लगने से पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई और अज्ञात कारणों से ये आग लगने का कारण बताया जा रहा है। दमकल विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। जालंधर में चलते सड़क पर रेता से भरे ट्रक में आग लग गई, जिससे सड़क पर अफरा तफरी मच गई। वहीं ड्राइवर ने ट्रक से कूदकर अपनी जान बचाई। इस दौरान हाईवे पर लंबा जाम लग गया। सूचना मिलने पर दमकल विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। मामले की जानकारी देते हुए ट्रैफिक पुलिसकर्मी ने बताया कि ट्रक कानपुर से जालंधर की ओर जा रहा था। इस दौरान शॉर्ट सर्किट होने के कारण ट्रक में आग लग गई। फिलहाल ट्रैफिक को भी सुचारू रूप से चालू कर दिया गया है। ਰਾਮਾ ਮੰਡੀ ਵੱਲੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਟਰੱਕ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਚੌਂਕ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਟਰੱਕ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਤੇ ਛੇਤੀ ਪਹੁੰਚੇ। ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਚਲੋ ਸਾਡੇ ਸਭ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਟ ਕੀਤਾ, ਫਟਾਫਟ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਵਗੈਰਾ ਆਈ। ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਰੰਤ ਦੋ ਗੱਡੀਆਂ ਕੱਢ ਕੇ ਅੱਗ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਅੱਗ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਿਆ। ਸਰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਇਆ ਇਹ? ਇਹਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੈ। बटाला के चट्टा गांव में अज्ञात हमलावरों ने एक रिटायर्ड आर्मी कांस्टेबल की पत्नी पर हमला कर दिया। हमले में हवलदार की पत्नी परमजीत कौर के पैर में गोली लगी। घायल अवस्था में महिला को अमृतसर रेफर कर दिया गया। बटाला सिविल अस्पताल में इलाज के लिए आई महिला परमजीत कौर ने बताया कि वो 23 साल के बाद लड़का होने के कारण गांव चट्टा में बाबा को देख चढ़ाने गई थी। इसी बीच करीब 3 अज्ञात लोग आए और आते ही गोली चलाने लगे। इस दौरान एक गोली उसकी पैर में लगी और वो गंभीर रूप से घायल हो गई। फिलहाल महिला की शिकायत के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। ਸਰ ਮੇਰਾ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਆ, ਸੰਕਟਪੁਰ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਆ ਤੇ ਚੱਠੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਨਕੇ ਸੀਗੇ। ਆਪਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟਿਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਮੈਂ ਗੇਟ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਖਲੋਤਾ ਸੀ ਬਾਹਰ, ਉਹ ਦੋ ਜਣੇ ਆਏ ਆ, ਇੱਕ ਨੇ ਮੂੰਹ ਲਟਾਇਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਦੋਨੇ ਸਾਡੀ ਪਛਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਦੌੜ ਗਿਆ, ਆਪਣਾ ਪੇੜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਗਾਨੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਲੈਣ ਦੌੜ ਗਿਆ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਫਾਇਰ ਕੀਤੇ ਆ। 5-6 ਰਾਉਂਡ ਕੋਠੇ ਫਾਇਰ ਕੀਤੇ, ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਇਹ ਬਾਹਰ ਦੌੜਿਆ, ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਫਾਇਰ ਕਰਕੇ ਦੌੜ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਨਸ਼ੋਟ ਇੰਜਰੀ ਕੇਸ ਹੈਗਾ, ਰਾਈਟ ਲੈਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਹਸਪਤਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਫਿਲਹਾਲ ਬਾਕੀ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਾਫੀ ਅਸੀਂ, ਬਾਕੀ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਹੋਇਆ 23 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, ਮੈਂ ਸੁਖਣਾ ਲਾਉਣ ਗਈ ਹਾਂ, ਬਾਬਾ ਲਾਲ ਜੀ ਦੇ ਲਾਹ ਹੀ ਹਾਂ। ਚੱਠੇ ਅਜੇ ਲਾਉਣ ਜਾਣਾ, ਦੇਗਾਂ ਬਣਾਉਣ ਡਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਚਾਹ ਪੀਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਦੋ ਮੁੰਡੇ ਆਏ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਬੇਟਾ ਤੇ ਬੇਟੀ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਰ ਲੱਗੇ, ਬੇਟੀ ਠਾਣ ਹੋ ਗਈ, ਮੇਰੇ ਆਣ ਪੱਟ 'ਚ ਬੱਚੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਰ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਮੁੜ ਕੇ ਇਹ ਪਰੇ ਹੋ ਗਏ, ਮੁੜ ਕੇ ਬੇਟਾ ਤੇ ਬੇਟੀ ਸੀ, ਉਹ ਠਾਣ ਕਰਕੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਿਆ ਮੁੰਡੇ ਨਿਕਾਹ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਉਹ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਆਣ ਸੋਫੇ 'ਤੇ ਬੈਠੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੇਖਿਆ, ਦੋ ਸੀਗੇ ਉੱਦਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਤੇ। सुनाम के नजदीकी गांव छाजली का जवान परमिंदर सिंह देश की सेवा करते हुए कारगिल में शहीद हो गया। परमिंदर की साल पहले 2 अक्टूबर को शादी हुई थी और गांव छाजली के पत्ती सरवाव रहने वाला परमिंदर सिंह सिक्खू रेजिमेंट 31 में था। शहीद परमिंदर सिंह के दूसरे भाई गुरपिंदर सिंह भी सेना में कार्यरत है और उनके पिता गुरजीत सिंह ने सेनावृत्त हो चुके हैं।
शहीद जवान परमिंदर सिंह का पार्थिव शरीर शाम को गांव पहुंचा और जवान की मौत के बाद पूरे गांव में शोक की लहर है। शहीद हुए जवान का पैतृक गांव में ही दाह संस्कार किया गया। हजारों गांव वासियों ने नम आंखों से उनको विदाई दी और सरकार ने 1 करोड़ की राशि परिवार को आर्थिक सहायता के रूप में देने का ऐलान किया है। ये जानकारी जिला डिप्टी कमिश्नर संगरूर ने दी है। बता दें कि आपको ये सुनाम में पैतृक गांव में पहुंचा पार्थिव का शरीर और सुनाम के नजदीकी गांव छाजली का जवान परमिंदर सिंह देश की सेवा करते हुए कारगिल में शहीद हो गया। परमिंदर सिंह की साल पहले 2 अक्टूबर को शादी हुई थी। गांव छाजली के पति समराव का रहने वाले परमिंदर सिंह सिख रेजिमेंट 31 में था। शहीद परमिंदर सिंह के दूसरे भाई गुरपिंदर सिंह भी सेना में कार्यरत हैं और उनके पिता गुरजीत सिंह सेना से सेनानिवृत्त हो चुके हैं। शहीद जवान परमिंदर सिंह का पार्थिव शरीर बुधवार को शाम गांव पहुंचा। जवान की मौत के बाद पूरे गांव में शोक की लहर है। वहीं शहीद जवान का पैतृक गांव में ही दाह संस्कार किया गया। हजारों गांव वासियों ने नम आंखों से उन्हें विदाई दी। सरकार ने 1 करोड़ की राशि परिवार को आर्थिक सहायता के रूप में देने का ऐलान किया। ये जानकारी जिला डिप्टी कमिश्नर संगरूर ने दी। परमिंदर जी की जिहड़ी शहीदी है करगिल दे विच एक ट्रेनिंग एक्सरसाइज के दौरान इन्होंने शहादत प्राप्त की है। पिंड छाजली तो ये बिलोंग करते हैं तो असी जिहड़ा है उन्हां दे दाह संस्कार के मौके पर उत्थे आए हैं तो पंजाब सरकार वालों जिहड़ी 1 करोड़ रुपए की राशि है वह सेंक्शन की जा चुकी है तो वह चैक तुरंत ही दिता जाएगा। इस तो अलावा जो भी पंजाब सरकार वालों जो भी हर संभव पॉलिसी के तहत जो भी सहायता होगी वो परिवार को मिलेगी। हरपाल सिंह चीमा वित्त मंत्री पंजाब वालों हाजिर लगाना है वो अज कैबिनेट की मीटिंग से करके नहीं आ रहे उन्होंने आना सी राती उन्होंने गल हुई हैगी पहले साढ़े अजे बहुत असी तो एक दुख की गल है नौजवान साढ़े चलेगा परिवार के बच्चों के जी चलेगा साड़ी भैन है जी 1 साल हो विहानी उन्होंने तो बाकी असी माण भी महसूस करते हैं जिन्ना करके सुरक्षित रह रहे हैं देश के दी राखी करते जे शहीद हुए हैं असं दिनों सलाम करते हैं सल्यूट करते हैं इन्हों इन्हों नौजवानों करके असी हो बाकी असी दुख की घड़ी च परिवार के नाल खड़े हैं। साडा नौजवान परमिंदर सिंह जो अज शहीद होया देश कौम की राखी करता हो असी इन्हों नौजवानों के कारण ही अस अपने देश के सुरक्षित रहेंगे तो असी इन्हों श्रद्धांजलि भेट करते हैं। पंजाब सरकार के नुमाइंदे वालों भी श्रद्धांजलि भेट करते हैं तो पंजाब सरकार वालों तो असी इन्हों परिवार खड़े हैं तो सरकार वालों भी जो इन्हों मुआवजा सीएम साहब के वालों अनाउंस किया है। गुरदासपुर के सिविल अस्पताल में पिछले 3 महीने से अल्ट्रासाउंड मशीन खराब होने के कारण लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। परेशान लोगों का कहना है कि ये मशीन आए दिन खराब हो जाती है जिसके कारण लोगों को अस्पताल से बाहर जाकर अल्ट्रासाउंड कराना पड़ रहा है। इस संबंध में जानकारी देते हुए लोगों ने बताया कि सिविल अस्पताल में अल्ट्रासाउंड मशीन पिछले 3 महीने से खराब चल रही है जिससे लोगों को परेशानी हो रही है। गरीब लोगों के लिए काफी ज्यादा मुश्किल है। सिविल अस्पताल के सीएमओ ने कहा कि अल्ट्रासाउंड मशीन काफी पुरानी है जिसके कारण इस मशीन में दिक्कत आ रही है जिसके लिए संबंधित अधिकारियों को पत्र भेज दिया गया है। जल्द ही नई मशीन को अस्पताल में स्थापित किया जाएगा। स्कैनिंग मशीन जी खराब है ये तो बिल्कुल सच है और आए दिन ही बहुत सारे पेशेंट है जोड़े बाहरों कराते हैं और 800 तो लैके 1000 रुपया जोड़ा उन्होंने खर्च करना पैंता और तुम्हें यह भी वेख्या कि महला क्लीनिक जोड़े अगे नवे बनाए जा रहे हैं। मैं तो समझदा इतने 1 करोड़ रुपए जोड़े अगे सिविल होस्पिटल के उत्ते ला के लोगों का इनकम टैक्स का पैसा ला के इस बिल्डिंग खड़ा किया गया और मैं तुम्हें इस चैनल के माध्यम राही दसना चाहना कि ये उत्ते ही कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट कर लो यदि मशीन ही ठीक करा लो मशीन जड़िया ने आए दिन ही खराब रहेंदिया ने। मैं हूँ एक पेशेंट लैके आया
भी जिहड़ियां बहुत सारे टेस्ट जिहड़े आगे कहिंदे बाहरों होने आगे अपना लक्ष्मी लागे कोई पैंदा वा लैब लक्ष्मी लैब उत्थों होने हैगे नेगे ते इत्थे जदों मशीनां ही खराब ने ते फिर हॉस्पिटल कहदा है। इत्थे जिहड़ा साडा चेयरमैन हैगा हैल्थ डिपार्टमेंट दा साडे चेयरमैन साहब ने बहुत सत्कारयोग ने वह फिर इत्थे की कर रहे ने कि वह इत्थे वर्त की रहे ने गल उहनां नूं इस गल दे उत्ते ध्यान देना चाहिए साडे बड़े सत्कारयोग ने मानयोग ने। बता दें कि गुरदासपुर में सिविल अस्पताल का ये मामला बताया जा रहा है जहां पर आए दिन अल्ट्रासाउंड मशीन खराब हो जाती है जिससे मरीजों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जिला गुरदासपुर के गांव अलेचक में कुछ लोगों ने गांव की ही महिला पर जहरीली दवा स्प्रे कर पशुओं के चारे को नष्ट करने का आरोप लगाया है। वहीं लोगों के हक में किसान नेता भी पहुंचे। उनका कहना है कि महिला जमीन पर कब्जे का प्रयास कर रही है जिसके कारण बार बार ऐसा किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि पहले भी खेतों में उन्होंने पशुओं पर चारा लगा पशुओं का चारा लगाया था जिससे इस महिला ने उसे नष्ट कर दिया था। लोगों ने मांग की है कि इस महिला के खिलाफ कार्रवाई की जाए। उधर महिला ने सभी आरोपों को पूरी तरह से नकार दिया है। इस संबंध में पुलिस ने शिकायत भी दर्ज कर ली है और किसान मजदूर संघर्ष कमेटी भी इस मामले में कूद पड़ी है। ये जमीन कोई 40-50 साल तो लगातार साढ़े को वगदी आ रही है। 13 साल हो गए मेरे हसबेंड की डैथ नदू बाद भी यह जमीन मेरे को ही वगदी आ रही है। ये पार्टी जी कह रही है कि साडा कब्जा असी पट्ठे बीजे साडे वाह दिते साडा ये करता साडा वो कर दिता। शायद मेरे पिंड का एक नुमिंदा कमलजीत सिंह घुग्गी भी यह चीज बोलिया कि यह जमीन इन्हों की आ कभी वह सामने आके मेरे फेस टू फेस होके आखे कि अज तक कभी वरिंदर सिंह नूं जां मेजर सिंह नूं इस पैली दे विच खेती करदे आ दिखा। जिहड़ा कि एक मेजर सिंह ते वरिंदर सिंह ने पैली लई दी आ नौ कनाला ते कुछ उपर मरले ने ते उहदा असीं पहलां वी इत्थे वाइट पाक गए सी इत्थे मैडम सीना कोई जिसने हुण एक पाप हुंदा एक मां पाप हुंदा अपनी बुरकी मूँह चों डिग जाए तो चुक के 20 वारी मत्थे नूं लाईदा अनाज आ अन्नदाता आ ते इह पशुआं दा जिहड़ा चारा सी इनू तबाह करके रख दिता स्प्रे करके रख दी। ये पहला भी वो 3-4 बारी कोर्ट तो जिते ने स्टे दे आर्डर भी कोल ने ते फिर जान बुझ के ये जड़िया शरारत कर बहुत माड़ी गल आ। पिंड की जननी अलेचक तो जसप्रीत कौर जड़ी कि बुरी नीयत नाल जमीन उठाना चाहती है। इन्हें पहला भी 2-3 बार कोशिश की है जमीन पर कब्जा करने की जिन्हों की आपां असफल कर दिता। हूँ आप महीना क पहला चेरी चेरे की कश्त की थी जमीन में ही तो इन्हें की किया भी स्प्रे करके साड़ी फसल का नुकसान कर दिता है। इन्हें की किया जो आप इस तो पहला फसल बीजी उदो भी इन्हें एक बार स्प्रे कर दी थी तो ये खिलाफ सदर थाने रिपोर्ट भी दर्ज कराई हुई है जी। आप अमृतसर में गढ़वाली गेट के नजदीक बिल्डिंग मटेरियल दुकानदार की तरफ से सड़क पर बजरी रेता और ईंट लगाने पर स्थानीय लोगों ने धरना प्रदर्शन किया। बातचीत करते हुए लोगों ने कहा कि रास्ते में इन सामानों के पड़े होने से राहगीरों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी ओर दुकानदार ने कहा कि जो उन पर आरोप लगाए जा रहे हैं वो सरासर गलत हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। देखो जी धरने प्रदर्शन का बड़ा खास मुद्दा साडा है वा इस इंसान को यह 2 महीने तो हाथ जोड़ के हाथ बन के सारा साडा महला सारे महल के मोहतबार इनू हाथ बन के ही कहा भी यार तू दुकानदारी कर पर इन्हों ना कर भी सारे अगर धक्का कर जिन्हिया चौंक से रेहड़ियां लगदी खाण पीन वाली और रेत उड़ के सारी पैंती है उतो सामने वाल्मीकि महाराज का मंदिर है सामने इटा स्थान का लोग सामने मूत्र करते हैं सामने गुरुद्वारा साहब है उत्थे इटा निकलियां लवाइया तुम अपना क्लिक ले लिए वीडियो की उत्थे भी लोग पेशाब करते हैं। कल की होया कल 11:30 बजे की गल आ सारा चौंक गवाह वा जिन्हें रेहड़ियां वाली दुकाना तुम पुछ लो कल एक इनोवा आई है 5-7 गड्डिया भर के आई एक्टिवा दियां कल ने गुंडे बुलाए आ ये मुंडिया साढ़े को कहता जेडे मेहनत मजदूरी करते भाई तुम मैं गोलियां मरवा देनिया वा तुम अपना टल दे नहीं जे
ਸ਼ਰਮਾ ਬਿਲਡਿੰਗ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਜੀ ਗਰਵਾਲੀ ਗੇਟ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਇੰਨੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਅਪਰੋਚਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ ਵੇਖੋ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਾ ਹੈਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਾਰਨ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਟ ਮਾਰੀ ਹੈ ਕਿਹਨੇ ਇਹਨੇ ਰੋਹਿਤ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁਰਗੇ ਲਗਾਉਂਦਾ ਮੁੰਡਾ ਅੱਛਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਮਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਮੈਂ ਅੱਗੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਮੈਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮਰਵਾਹਾ ਬਲੌਕ ਇੰਚਾਰਜ ਹਲਕਾ ਸਾਊਥ। ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਰੇਤ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰੇਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਾਫੀ ਇਨਕਰੋਚਮੈਂਟ ਏਰੀਆ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਦੋ ਚਾਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਵੀ ਹੋਏ ਆ। ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਬਣਾਓ ਅਤੇ ਕੋਈ ਗਡਾਊਨ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾਓ, ਪਰ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾ ਕੰਨਾਂ 'ਤੇ ਜੂ ਨਹੀਂ ਸਿਰਕਦੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਕੁਛ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਮਸਲਾ ਗਰਮ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਖੁਦ ਕੰਪਲੇਂਟ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਟਾਫ ਉੱਧਰ ਬਿਜ਼ੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ ਅੱਜ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਅੱਜ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਵਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰੇਤ ਇੱਥੇ ਨਾ ਲਵਾ ਨਾ ਲਵਾ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਹੀ, ਮੈਂ ਡੇਲੀ 3-4 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਮਾਲ ਲਾਉਣਾ, ਉਹ ਚਿਕਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਕ ਪੈਂਦੀ ਰੇਤ ਪੈਂਦੀ ਆ ਅਤੇ ਗਾਹਕ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਮੈਂ ਗੋਲੀਆਂ ਮਲਵਾ ਦੇਣੀਆਂ ਕੁਛ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਨਿਆਏ ਪਰਚੇ ਕਰਾਉਣੇ ਆ, ਮੈਂ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਆਨੰਦ ਮਲਹੋਤਰਾ, DBR ਅੰਬੇਡਕਰ ਭਲਾਈ ਮੰਚ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 3 ਮਿੰਟ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਲੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਬੀਬੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਲੰਘਦੀਆਂ ਵਾ, ਇੱਟਾਂ ਸੁੱਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਗੰਦ ਪਾਇਆ ਵਾ, ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਕੰਪਲੇਂਟਾਂ ਆਈਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ 'ਚ ਥਾਣੇ ਵੀ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਗਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਗਲਤੀਆਂ ਨਾ ਕਰ। ਮੈਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੋਰਚੀ ਉੱਪਰ ਲੱਗ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸੀਟ ਥਾਣੇ ਮੈਂ ਗੈਸਟ ਲੱਗੀ, ਗੈਸਟ ਮੈਂ ਬੁਲਾਇਆ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਬਟਾਲਾ ਮੇ ਭਾਈਓ ਕੇ ਸਾਥ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਵਾਦ ਕੇ ਚਲਤੇ ਬਟਾਲਾ ਕੋਰਟ ਮੇ ਤਾਰੀਖ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਗਏ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਬਟਾਲਾ ਸਥਾਨੀ ਨਿਊ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕੋਰਟ ਪਰਿਸਰ ਮੇ ਜ਼ਹਿਰ ਖਾ ਕਰ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਲੀਲਾ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਲੀ। इस मामले में पुलिस ने पीड़िता के परिजनों के बयानों के आधार पर दोनों भाइयों के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। अजी इन्हों का आपस भरावान का जमीन का बड़े चढ़ा झगड़ा चलन दिया, बड़ा कलेश चलन दिया। ये 3 भरा ने, ये वड्डा है, दूजे 2 छोटे हैं। फिर ये कोठी जलंधर वो भी बेच के सारे ने हिस्सा लिया, 2.5-2.5 लाख रुपया ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਵੀ, ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ, ਪਿਓ ਨੇ ਵੀ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਸੀ, ਮੁੜ ਕੇ ਪੈਲੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਇਹਦੇ ਡੈਡੀ ਨੇ ਇਹਨੂੰ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਵਾਪਸ ਲਈ। ਆਹ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਕੇਸ ਬੁੱਢੇ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਤਰੀਕ ਸੀ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸੀ ਬਟਾਲੇ। ਹੁਣ ਮੁੜ ਕੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਜਣੇ ਟੈਂਪੂ 'ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਘਰ ਲੈ ਗਏ ਆ। ਅਜੇ ਨਾ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਧੀਰ ਨੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਦਵਾਈ ਖਾ ਲਈ ਆ। ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਉਹ ਭਰਾਵਾਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਏ, ਦਵਾਈ ਖਾ ਲਈ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ 'ਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਚੱਕਰ। ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹੀ ਵਾਸਤੇ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨੇ ਦਵਾਈ ਖਾਧੀ ਆ ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਾ ਕੇ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ 'ਚ ਲਿਆਉਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਮਲ ਲਿਆਉਂਦੀ। ਬੰਦੇ 2 ਦੋਸ਼ੀ ਆ, ਧਾਰਾ 306 ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁਕਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੇ ਜੀਜਾ ਜੀ ਆ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਜੀ? ਉਮਰ 52 ਸਾਲ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਰ? ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਝਗੜਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪੈਲੀ ਦਾ। ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ। ਸਵੇਰੇ ਗਏ ਆ ਘਰੋਂ, ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਗਏ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਅਤੇ ਤਰੀਕੇ ਗਏ ਆ। ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ? ਇੱਥੇ ਕਚਹਿਰੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਲਏ ਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੋ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦਵਾਈ ਉਹਨੇ ਹੀ ਖਵਾ ਕੇ, ਦਵਾਈ ਖਾ ਕੇ ਤਾਂ ਛੱਡ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਜੇ ਦਵਾਈ ਖਾਧੀ, ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਆਮ ਅਸੀਂ ਵੇਖਣ 'ਚ ਆਈਦਾ ਬੇਗਾਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਭਰਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਫਿਲਹਾਲ
फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। हे मॉम। हे लुक आई कैन डाउनलोड।